अपनी मौत से अनजान सतीश कौशिक ने 7 मार्च को सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए फेसबुक और ट्विटर पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। 67 साल की उम्र में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और एक्टर सतीश कौशिक दुनिया को अलविदा कह गए। सतीश कौशिक ने न केवल सुपरहिट फिल्में दी बल्कि कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा भी मनवाया। उनके निधन से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फिर एक बड़ा झटका लगा है। सतीश कौशिक के निधन का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई। अपनी मौत से अनजान सतीश कौशिक ने 7 मार्च को सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए फेसबुक और ट्विटर पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में वह मशहूर गीतकार जावेद अख्तर, फिल्म अभिनेत्री माहिमा चौधरी, फिल्म अभिनेता अली फजल और फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के साथ नजर आ रहे हैं। सतीश ने इस बात की जानकारी दी थी कि उन्होंने ये होली जानकी कुटीर जूहू में खेली थी। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी थीं। इन तस्वीरों में हंसते हुए सतीश कौशिक को देख अब मन भारी हो रहा है। सतीश कौशिक के निधन की पुष्टि उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने की है। अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देते हुए अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा है, जानता हूँ मृत्यु हुई इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूं, ये मैंने सपने भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट यू सतीश, ओम शांति। बता दें कि 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश कौशिक ने 1983 में आई मासूम फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने करीब 100 फिल्मों में काम किया। 1993 में रूप की रानी, चोरों का राजा से कौशिक ने फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। करीब एक दर्जन फिल्मों का डायरेक्शन किया। फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर की भूमिका सतीश कौशिक को पहचान दिलाई और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। Thank you.